केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मेपाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आई भूस्खलन की वजह से भारी तबाही मची हुई है। लोग बेघर हो गए हैं, दिन रात खून पसीना एक कर बनाया हुआ घर गृहस्थी सब टूट गया है। लोग शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। वायनाड की हालत आप इन डरा देने वाली तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिसमें दूर दूर तक मैला पानी और कीचड़ से सना मैदान दिख रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अब इसके अलावा कुछ नहीं रहा। और दिख रहे हैं तो वो लोग जो किसी तरह अपनी जान बचाकर इस क्षेत्र से प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्राकृतिक आपदा की वजह से जिंदगियां कितनी खौफजदा हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और न जाने अभी कितने ही लोग लापता हैं। मेजर जनरल ने रेस्क्यू के संबंध में क्या जानकारी दी है, सुनिए। फौज यहाँ पर 30 जुलाई दोपहर से यहाँ पर है। हमारे लिए काफी मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर एयरफोर्स फ्लाइट के थ्रू और गाड़ियों के थ्रू यहाँ पहुंचे हैं। आज के डेट में यहाँ पर 500 से ज्यादा फौजी यहाँ पर तैनात है, अलग अलग काम में व्यस्त है। सबसे मेन काम यहाँ पर रेस्क्यू और रेस्क्यू ऑपरेशंस में है। उसके लिए तकरीबन 350 फौजी है, जो कन्नूर, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम से है। त्रिवेंद्रम से उनको एक दिन पहले एयरलिफ्ट किया गया था और एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट में वो कन्नूर आए और वहां से यहाँ आए। इसके अलावा हमारा ब्रिजिंग टीम है, 160 लोग उसमें है, और 220 फीट का ब्रिज हम बेंगलुरु से लेकर आए हैं और उसको अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस ट्रैफिक के लिए हम खोल देंगे ताकि तुरंत हमारा दूसरा फेज इस ऑपरेशन का शुरू हो जाए। हमारे लिए भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो जितना लोगों का जान बचा सकते हैं जो बाहर थे उनको बचा लिया गया। अब जो घरों के अंदर फंसे हुए हैं, मोस्ट लाइकली अभी हमें उम्मीद है कि कुछ एक आध लोग जिंदा भी बचेंगे, बाकी हमें डेड बॉडीज भी रिकवर करना पड़ेगा। दुख के साथ बताना चाह रहे हैं कि अभी तो रिकवरी ऑपरेशन ही ज्यादा होगा। मिसिंग है कहीं सारे, बट एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास नहीं है, वो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा। मेरे पास अभी उसका फिगर नहीं है, बट लोग 300 से ज्यादा लोग मिसिंग बता रहे हैं, बट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना होगा। बट हम हर घर हर जगह ढूंढेंगे और जो भी लोग फंसे हुए हैं हम उनको निकालेंगे। ढूंढेंगे, हर जगह ढूंढेंगे, हर जगह जाएंगे और हर जगह ढूंढेंगे और निकालेंगे। ये पुल सबके लिए है, ये 24 टन बेली ब्रिज है, ये हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ब्रिज का टेम्पररी ब्रिज का जरूरत है। तो इस पुल के ऊपर 24 टन का कोई भी ट्रक इसके ऊपर चल सकता है, इंक्लूडिंग अर्थ इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट सब हम इसमें मूव करेंगे। ये सिविलियन के लिए है, ये पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओपन है, केवल आर्मी के लिए नहीं है। हम भी अपना इस्तेमाल करेंगे, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास ये फिगर नहीं है, ये मीडिया में ही है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। हमने खुद आर्मी तकरीबन 100 के आसपास डेड बॉडी यहाँ से निकालने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मदद किया है, बट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 160-170 के आसपास डेड बॉडीज है, बट ये फिगर्स आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा। आपको बताते चलें कि इस मुश्किल घड़ी में भूस्खलन प्रभावित लोगों का साथ देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड पहुंचने वाले हैं, जहां वे प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे।